रिकॉर्ड मोड में हम लोग डाल दिए हैं, स्क्रीन का शेयर कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस बना लें, कौन कौन स्टूडेंट हैं और कौन नहीं है। तो मुस्कान जी, मुस्कान रोल नंबर, यस सर। कुमारी मुस्कान, यस सर। स्नेहा कुमारी, रानी कुमारी, स्नेहा कुमारी, यस सर। रानी कुमारी, यस सर। गुलशन जी एंड शुभम जी, यस सर। ये सब अभी क्लास में हैं। देखिए, मैट्रिक का हम लोग का चल रहा था, इसका आपका बेनिफिट क्या है कि जो बच्चे वो क्लास छूट जाएगा उनकी वीडियो आपका लोड हो जाएगा। हम लोग का चैनल है क्रिएटर सुपर 30, इस चैनल पर आपकी वीडियो लोड हो जाएगी। अगर ये 10th क्लास का है तो 6 बजे से क्लास चल रहा है, यानी रात में ये 9 बजे तक आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, यानी उस पर आप देख सकते हैं क्रिएटर सुपर 30 यूट्यूब चैनल पर आप दोबारा तीबारा देख सकते हैं। तो कहाँ तक हो गया था चुकी मैट्रिक, आज केमा लेक्चर है कि गोनोमेट्री में कहाँ तक हो गया था मुस्कान बाबू? हम लोग एंगल जेल कैसे 0 डिग्री कैसे याद करते हैं, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये जो 8 रेशियो आप पढ़े हैं, ये 6 के बीच में कुछ न कुछ रिश्ता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यह 6 में कुछ न कुछ संबंध है। उस संबंध को चूंकि 6 है, अगर देखो ये 2 पॉइंट रहता तो लाइन सेगमेंट बनता, अगर 3 का रेशियो होता तो ट्रायंगल बनता, 4 का होता तो क्वाड्रिलेटरल बनता, 5 का होता तो पेंटागन बनता। यहां पर बताइए, यहां पर ये कितना है, जल्दी बताइए, बोलिए मुस्कान बाबू, जो भी स्टूडेंट है बोलिए, यहां पर कितने हैं सेगमेंट, देखिए वर्टेक्स, एक है, दो है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी टोटल 6 है। यानी यहां पर ये जो बनेगा वह बनेगा, वह हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा सब लोग बताओ, हेक्सागन बनेगा, हेक्सागन, हाँ हेक्सागन बना। या हेक्सागन को देखो, इसी से तुमको हम सब फॉर्मूला याद करवा दें। तो इस हेक्सागन को आराम से देखिए, यहां पर होता है साइन थीटा, यहां है कॉस थीटा, यहां है कॉट थीटा, यहां है कॉसेक थीटा, यहां है टैन थीटा और यहां है कॉट थीटा। तो गौर से देखो सब लोग, इसी से सारे फॉर्मूला आपको हम याद करवा देंगे हमेशा हमेशा के लिए। सर कॉट थीटा आप दो दो बार लिखती हैं? नहीं, यहाँ पर ये सेक थीटा है, ठीक है, क्लियर है। अब गौर से देखो, मैं पेन को चेंज कर देता हूं और ग्रीन वाले पेन से मैं एक दूसरे का ऑपोजिट करता हूं। तो देखो साइन के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, देखो गौर से, कॉसेक,
बोलो यस या नो। यस सर। टैन के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? कॉट। और सेक के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? कॉसेक। यानी अगर रेसिप्रोकल की बात करें तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cosec थीटा है और cosec थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा है। यानी यहां पर थीटा का ध्यान भी रखना है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, थीटा की वैल्यू नहीं होना चाहिए 0। तब एक दूसरे का यह रेसिप्रोकल। अब देखो cos थीटा का अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? देखो cos थीटा का अपोजिट में sec थीटा यानी 1/sec थीटा, और sec थीटा के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? 1/cos थीटा। यानी यहां पर थीटा का वैल्यू नहीं होना चाहिए 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू नहीं होना चाहिए 90 डिग्री। अब तुम्हारे पास टैन थीटा के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है? तो कॉट थीटा, और यहां पर कॉट थीटा के यहां पर 1/tan थीटा। यानी यहां पर थीटा की वैल्यू नहीं होना चाहिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल वाले बात तो सब लोग समझ गए। यस या नो? रेसिप्रोकल वाला बात सब लोग समझ गए? यस सर। बोलिए रेसिप्रोकल वाला बात सब लोग समझ गए? यस सर। खूब बढ़िया। यस सर। खूब बढ़िया से समझ गए। अब हम कलर yes, sir. कलर को चेंज कर देते हैं। अब देखो यह दो रेशियो है, दो का रेशियो है, यहां से चलना चालू करो ये टैन थीटा, उसके आगे बढ़ जाओ। यानी टैन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टैन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलो यस या नो? अब बताओ साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? उसके आगे तो बढ़ जाओ। यानी साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? जिसका निकालेंगे उसके आगे तो बढ़ जाना है। अब बताओ कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। अब बताओ कि कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब बताओ कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर sec थीटा बटे tan थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा बटे tan थीटा ना। अब sec थीटा को क्या लिखेंगे? yes. तो यहाँ पर sec थीटा है तो tan थीटा बटे sin थीटा। यानी ये जो हेक्सागन में पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी फॉर्मूला इसी हेक्सागन में है, तो अगली पेज में ले जाता हूँ। ये इसी हेक्सागन में पूरा ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों, पूरा ट्रिग्नोमेट्री है इसी हेक्सागन में है, इसलिए आपको कोई दूसरी बात आपको नहीं आना चाहिए। इसी हेक्सागन को गौर से देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ आपका है कॉट थीटा है, यहाँ पर कॉसेक थीटा है, यहाँ पर तुम्हारे पास टैन थीटा है, और यहाँ पर है आपके पास सेक थीटा। अभी आपने देखा दो फॉर्मूला को देखा कि ये अपोजिट होते जाती है, तो यहाँ पर तुम देखो किसी भी रेशियो को देखोगे, माइक को सब अनम्यूट कर लो, किसी भी रेशियो को देखोगे आराम से कर सकते हो। अगर मान ली कि इधर से कोई रिवर्स चलना चाहता है तो चले, उसको कोई माना नहीं करेगा, चाहे वो क्लॉक वाइज चले या एंटी क्लॉक वाइज चले, वो 100% उसका सही होगा, 100% सही होगा। अब देखोगे कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला उसको इसी से हेक्सागन से याद रहेगा। तीसरा टाइप है तुम्हारे पास जो तुमको जानना यहाँ पर जरूरी है,
यह आपको जानना है कि मान लीजिए cos थीटा लिखते हो तो cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा, यहां पर cos थीटा लिखोगे तो sin थीटा बटे tan थीटा हो जाएगा, यहां पर sin थीटा लिखोगे तो tan थीटा बटे sec थीटा हो जाएगा, यहां tan थीटा लिखोगे तो sec थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। यानी क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, तुमको ये दो रेशियो के बीच में तुम्हारे पास काम हो जाएगा। अब देखोगे कि यहां पर ये वन यूनिट मान लिया और यहां पर साइन थीटा है और कॉस थीटा, यहां वन माना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन हो गया। वन होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन हो गया। वन अब देखो इधर दिखा आओगे तो यहां पर देखो ये कॉस ये है, तो यहां पर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, थीटा का वैल्यू नहीं होना चाहिए जीरो डिग्री, थीटा का वैल्यू नहीं होना चाहिए जीरो डिग्री। और यहां पर तुम्हारे पास इसके साथ जुड़ोगे तो तुम्हारे पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। जो अनडिफाइंड चीज है वह कंडीशन को पहले रोक दोगे, यानी इससे तुम्हारे पास छो कंडीशन तुम्हारे पास, यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सब तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा, तो ये प्रूव करने में काफी तुम्हारे पास फायदा होगा। अब देखो अलजेब्रा का भी कुछ बेसिक इसमें जानना होता है जिससे तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। मुस्कान जी आपका क्लियर हो गया? सर जो sec स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको हमको नहीं समझ में आया है, इज इक्वल टू 1 वाला, ये वाला? यस सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया डायग्राम से। इस डायग्राम से? यस सर, थर्ड नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए sec थीटा को तुम क्या कहती हो बताओ, h बाई b का स्क्वायर, tan थीटा को क्या कहती हो b स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब यहाँ पर b स्क्वायर एलसीएम ले लोगे, बोलो यस या नो, और h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब बहुत सारे टीचर देखो गलत बता देगा कि b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, यह b से b तभी कटेगा जब b का वैल्यू जीरो नहीं होगा, b का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और b जीरो नहीं होगा इसका मतलब बेस जीरो नहीं होगा, और बेस जीरो नहीं होगा इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा। इसी ढंग से cosec स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर h स्क्वायर बटे p स्क्वायर, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो b स्क्वायर बटे यहाँ पर p स्क्वायर। अब वैल्यू यहाँ पर अब देखो तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ पर p स्क्वायर है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे p स्क्वायर, कट के वन हो गया। ये वन तभी होगा जब p की वैल्यू जीरो नहीं होगा, यानी p मतलब थीटा के वैल्यू जीरो डिग्री नहीं होगा, यानी कहने का सेंस ये कंडीशन नहीं जानोगे तो तुम्हारे पास गड़बड़ हो जाएगा। आ गया बाबू मुस्कान बाबू? यस सर। ये कंडीशन हो गया। हाँ बोलिए। इस ट्रिक में मतलब ये तो पता नहीं चल रहा है कि किस फॉर्मूला में प्लस लगाए किस फॉर्मूला में माइनस लगाए। एकदम बात आपने सही बोला, इसमें आपकी कोई बात में गलती नहीं है। यस सर, डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर बात को समझिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले बात को समझिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, बोलो यस या नो। इसलिए यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गया, लेकिन कॉस का वैल्यू ज्यादा होता है कॉट का वैल्यू कम होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है कॉट का कम होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा से घटेगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से घटेगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सेक ज्यादा होता है टैन कम होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा से यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा घटेगा। अब क्लियर हो गया? बोलो। नहीं सर। हाँ बोलिए, सभी को क्लियर हो गया? इसको कैसे पता लगाएं कि ज्यादा हो कम है, टेन थीटा ज्यादा है ऐसा है, सेक का कम है?
ये इसका देखिए आपका एक सिंपल लॉजिक बताया गया था, इस चीज को समझिए। ये पी बी एच के बारे में, आवाज को पहले बंद कर दो, पी बी एच के बारे में, तो आप उसकी क्लास को छोड़ दिया है, दो वीडियो पीछे वाला तुमको देखना पड़ेगा। तो उसको हम बताए थे कि यहाँ पर जो बेस जो होता है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर गौर से देखो, ये ट्रायंगल में देखो, ये तुम्हारे पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर तुम देखो कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, परपेंडिकुलर और बेस तुम्हारे पास छोटा है, बोलो यस या नो। लेकिन कुछ कुछ केस में आपको बताया गया था कि जब ये जीरो डिग्री का एंगल बनेगा, तो जीरो डिग्री का बनेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और उस केस में यहाँ पर बताया गया था कि बेस जो होगा वो हाइपोटेनस का इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, यह बात आपको बताया गया। उसी ढंग से 90 डिग्री में आपको बताया गया था कि उस समय में बेस जीरो हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस या तो ये दोनों से बड़ा होगा या बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। अब यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ सेक थीटा है वह एच बाई पी, यानी क्लियर बात है कि एच बड़ा होता है पी छोटा होता है, यानी यह सस्पेंस क्लियर है कि सेक थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेक थीटा के बगल में यहाँ पर बेचारा टैन थीटा है, तो यहाँ पर पी बाई बी लिखा हुआ है, तो दोनों 1 से छोटा है, तो हो सकता है कि इसका मान 1 से छोटा भी हो और 1 से बड़ा भी हो, लेकिन ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी क्लियर बात है कि हमेशा बड़ा होगा और ये वाला हमेशा आपका क्या होगा, इसके अपेक्षा ये छोटा होगा। यह बात को करने आ गया सबको, बोलिए यस सर। अब कुछ इसमें अलजेब्रा का कुछ टेक्निक जानना होगा, जिसके कारण तुम्हारे पास आज प्रूफ दैट यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप लोग को करने आ जाएगा। तुम लोग फॉर्मूला बोलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलो a square plus 2ab। हाँ फिर से बोलिए, ए स्क्वायर यस सर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये कौन बोल रहे हो बताओ, कौन कौन इसमें सहमत है ये फॉर्मूला में? अमन राज आप सहमत हैं? कुमारी मुस्कान जी फॉर्मूला में सहमत हैं? यस सर। चलिए कुमारी मुस्कान जी, अमन राज जी भी सहमत हैं, कुमारी मुस्कान जी भी सहमत हैं। मुस्कान रोल नंबर 26। यस सर। आप भी सहमत हैं। अच्छा रानी बाबू, रानी कुमारी, चलिए शुभम जी। यस सर। शुभम जी, गुलशन जी। यस सर। सब कोई सहमत है? अफसोस, तेज फॉर्मूला आपका रॉन्ग है, इसको आप यूज नहीं कर सकते और नहीं ये फॉर्मूला की कभी जरूरत पड़ती। देखिए ये फॉर्मूला तो यहाँ पर सर बीच में भी लगा सकते, बीच में लगा सकते नहीं, बीचे में लगाना है, बीच में लगा नहीं सकते हैं, बीचे में लगाना है। फिर से बोलो, बीच, हाँ सर, बीच में ही लगाना है। ए स्क्वायर प्लस सर उसको लास्ट, सर उसको लास्ट में कहीं नहीं लगा सकते। अच्छा मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसका यूज कैसे करोगे। जैसे देखो यहाँ पर शांति से सब लोग पहले समझो कि अगर तुमको 18 का स्क्वायर करना है तो तुम इस फॉर्मूला के अनुसार लिखोगे 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 2 × 1 × 8। बोलो यस या नो, बोलो यही ना लिखोगे? यस सर। अब तुम्हारे पास इसको हल करो तो यानी ये अगर प्लस यहाँ पर ये ऑब्लिक होता है तो यहाँ ऑब्लिक हो जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा, यानी इसका कैरी इसको देगा। ध्यान देना, 8 × 16 तो 6 हुआ हाथ में, 1 बचा, 8 × 8 = 64 + 1 = 65 की 5 हाथ में 6 बचा और यहाँ पर 6 × 2 = 8। क्या इसका स्क्वायर ये आता है? नहीं, नहीं। अगर इस फॉर्मूला पर लिखते हो तो लिख के देखो, 8 का स्क्वायर 2 × 1 आ जाएगा सर। रुको पहले, 8 का स्क्वायर होगा 64, हाथ में 6 बचा, 8 × 16 = 22,
और हाथ में दो बचा और वन का स्क्वायर और टू जोड़ेगा तो थ्री, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो प्लस इसका। हाँ बोलिए बोलिए, तो एक बार फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता देता हूँ बाबू, फिर से समझो ये टेक्निक, पहले बात समझो, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर ऑब्लिक टू ए बी ऑब्लिक ए स्क्वायर, यानी यह स्क्वायर करने की पद्धति जो है सबसे फास्ट है, लेकिन सर से पढ़ते हो तो इससे भी फास्ट होगा। यानी तुमको क्या करना है कि देखो यहाँ पर 18 का स्क्वायर करना था, तो 8 का स्क्वायर किया तो 64 का 4 हुआ, कैरी 6 हुआ, और यहाँ पर 8 दूना 16 6 22 की 2, और यहाँ 1 2 1 3। अच्छा बताओ 58 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, बोलो जल्दी अब। लेकिन देखो तुम लोग स्पीड का मास्टर हो जाओगे, देखो क्या करना है ध्यान देना, 2a भी देखो बीच में है, बोलो यस एंड नो, तो 2a भी यहां लिख देना है। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास b स्क्वायर है और ये वाला a स्क्वायर है। अब देखो इसको ऐसे करो, सुनाओ पहले, यहां पर देखो 8 5 40 करोगे, 40 दूना 80 हो जाएगा, बोलो हो गया। 8 का स्क्वायर 64 करोगे और 5 5 25 करोगे, यानी यहाँ पर तुम इसको हल करोगे तो 6 6 और 8 5 13 और 2 1 3। अगर मेरी बात समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। करने आ गया सिंपल नहीं सर, फिर से समझे तो, फिर से समझे तो ये वाला। फिर से देखो, अगर 58 का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग 2a भी करेंगे, ध्यान दो 2a भी करेंगे, तो 2 × 5 + 8 कर दो, तो 8 5 40 × 80 हो गया, बोलो यस या नो। 80 होने के बाद इसका 8 का स्क्वायर कर रहा है, दो अंक में लिख दो, 8 8 64 हो गया 8 का स्क्वायर, और 5 5 25 हो गया, सीधे ऐड कर दे, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13, बोलो 13 का 3 हो गया और 3 हो गया, खेला खत्म हो गया। आया समझ में? तो इसकी फार्मूला की उत्पत्ति को जानना बहुत जरूरी होता है। आइए हम लोग कुछ नंबर को और करेंगे, तो यहाँ पर 5 6 का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, देखो 6 5 33 3 2 60 हुआ और 6 6 36 5 5 25, यहाँ पर 6 3 6 5 11 31 36, बोलो यस या नो, स्पीड में हुआ? यस यस सर। अगर मान ली कि 98 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 9 8 72 72 × 144 होता है कि नहीं, बोलो यस या नो। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर करेगा 9 9 81, जितना स्पीड जो जोड़ेगा उतने बड़ा कहलाएगा, 4 1 5 1 6, यानी ये आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये अलजेब्रा को जानना जरूरी है, इसलिए अब सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेगा तो क्या बोलना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो यस या नो। यानी अब कैसे बोलना है, क्लियर है? अब देखो कुछ और टेक्निक हम लोग को जानना है जो अभी यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि a के पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस b, और गेम खेलना है, पढ़ाई नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b या a प्लस b। तो देखो ये फार्मूला लिखने का हम तरीका बता देते हैं, तुमको एक क्लास में टीचर को कंपाउंड इंटरेस्ट में बताना था, नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बता देते हैं, गेम खेलो। देखो a प्लस b का होल क्यूब रहेगा, यानी होल स्क्वायर रहा तो क्या हो, पास्कल को नाम सुना होगा फिजिक्स में, बोलो यस या नो, पास्कल का नाम सुना है? अरे प्रेशर, प्रेशर पढ़ा है, प्रेशर, यस सर, प्रेशर को देने वाला पास्कल था, और उसका एसआई यूनिट भी पास्कल है। पास्कल साहब एक ट्रायंगल बनाए थे, तनी गौर से देख लो और गेम खेलो, सब फॉर्मूला लिखने आ जाएगा। यहाँ वन लिख देना, यहाँ भी वन। अब देखो जोड़ने आता ना है, वन वन जोड़ोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, टू, यहाँ वन, फिर वन, या गेम खेलो 2 1 3, मोबाइल पर यही खेलो 3 1। अगला देखो यहाँ पर क्या है, बताओ 3 1 कितना होगा, 4। गुलशन जी 3 3 कितना हो गया, 6, और 3 1 4 1।
अब तुम्हारे पास अगला ऐसे बर्थ चल जाएगा, ये कौन दिया था बोलो, ये ट्रेंगल का नाम क्या हुआ जल्दी बताओ, पास्कल ट्रेंगल, कुमारी मुस्कान जी सब लेके सबको आ गया करने। यस सर। अभी हम लोग देखेंगे कि यह बात करने आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा जो यह बात करने आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा बात हम लोग देखेंगे, सर उसका यूज का है वो अभी यूज हमें, अरे भाई अभी यूज करना सीखो ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है बोलो, तो ये कितना पावर है बोलो, टू, तो ए जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा बार लिख देना, तो ए बी को कितना बार लिखाएगा, यहाँ दो पावर था तो तीन बार लिखा गया बोलो, यस या नो। अब पास्कल ट्रेंगल में वन टू वन है, देखो टू वाला में वन टू वन है बोलो, अरे टू वाला में वन टू वन है सर, यहाँ वन वन है, यस सर, यहाँ पर टू वन है, यहाँ पर हल करोगे तो थ्री और थ्री वन, यहाँ पर हल करोगे तो फोर सिक्स फोर वन, यहाँ पर हल करोगे तो फाइव, तुम लोग को फॉर्मूला नहीं ना रटना पड़ेगा, सब ऐसे याद करा देंगे। अब देखो इसका नाम है डिक्रीज और इसका नाम है इंक्रीज, तो देखा एकरा पास पैसा कितना था दो, तो दो से घटेगा दो एक जीरो, और ये इंक्रीज कर रहा है तो कितना से बढ़ेगा जीरो से, देख फॉर्मूला तेरे आ गया, अगर तुम लोग पहले मिला हुआ होता तो आज तुम लोग गलत फॉर्मूला नहीं बोलता, बोलो ये आया कि नहीं। अब बताओ a प्लस बी का होल क्यों है, a प्लस बी का होल क्यों है, तो क्या करोगे ये तीन है बोलो, yes, लिखा हुआ है तीन है, तो इसको चार बार लिख दो, ए बी कितना बार लिख दो बोलो, चार बार, चार बार लिख दिया, और तीन के लिए देखो क्या है, वन थ्री थ्री वन। आप बताओ इस सज्जन का नाम क्या है, डिक्रीज क्या है, और इसका नाम क्या है, इंक्रीज। इसके पास तीन बीघा जमीन था तो तीन बीघा एक बीघा बेच दिया, तो दो बीघा एक बीघा जीरो बीघा, अब ये इंक्रीज किया किन रहा है, जीरो वन टू थ्री, यानी ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी और थ्री ए बी स्क्वायर बी क्यू, बोलो आया करने मुस्कान जी सब सभी लोग को आ रहा है पास्कल ट्रेंगल का यूज। यस सर। अब बताओ ए प्लस बी का होल पावर फोर रहेगा तो कैसे करोगे बोलो, ए बी कितना बार लिखाएगा, पांच बार, फाइव बार, फाइव बार, यहाँ पर लिखा हुआ है ना वन फोर सिक्स फोर वन। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो तुम काम करता तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये चार होता, ये तीन, ये दो एक जीरो, ये जीरो वन टू थ्री फोर, बोलो करने आ गया, ये फॉर्मूला लिखने आ गया सबको, yes, sir. बोलो yes, sir. अब फॉर्मूला yes, गलती नहीं ना करोगे, तो इसको तुमको हम दो no, sir. समझा सकते हैं। अब देखो तुम्हारे पास क्या है कि अभी हम लोग के पास ये अलजेब्रा को हम लोग सीख रहे थे, इसकी जरूरत पड़ेगा आप लोग लिख दोगे। दूसरा देखो अब a के पावर n, अब b के पावर n, इसकी फॉर्मूला लोग रटवाते हैं, रटो नहीं मेरे दोस्तों, आप हमसे पढ़ते हुए मार्केट को साबित होना चाहिए। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस b लिख देना। अब देखो ये इतना पावर है जी, तो दो बार a भी लिख देना, दो बार ए भी लिख देना, यहाँ दो घटेगा दो से नहीं एक से, यहाँ एक होगा ये जीरो होगा, ये जीरो से बढ़ेगा जीरो और वन होगा, यानी यहाँ पर ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसी ढंग से ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा, तो ए माइनस बी तो होगा ही, और साथ में तुमको ए भी तीन बार लिखना होगा, ए भी तीन बार, तीन से नहीं घटेगा बल्कि दो से घटेगा, तो दो एक जीरो और यहाँ जीरो वन टू, यानी ए माइनस बी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, बोलो यही ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला रटा था, और बोलो ना यस या नो, यही ना रटा था, रटना मना है, रटना
मना है। अब देखो यहाँ a के पावर 4 b के पावर 4, तो क्या करोगे जल्दी बताओ, a माइनस बी, हाँ a के पावर 4 b के पावर, तो क्या करोगे a माइनस b, हाँ बोलो उसमें लिखे चार बार ए बी लिख दो, हाँ ए बी ए बी चार बार लिख दो। अब उसके बाद क्या करोगे बोलो, ये चार में से एक गया तो तीन ना हुआ, तो तीन टू एक जीरो, यहाँ जीरो वन टू थ्री, ये करने आ गया। तो अब देखो तुम्हारा एथी जो है इसका टाइम होने वाला है, इसलिए फटाफट स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, नहीं तो आपका टाइम दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला पेज का लिए सर, दूसरा पेज का लीजिए नेक्स्ट, तीसरा पेज, चौथी पेज, पांचवी पेज, सिक्स सिक्स सेवन, छूट गया एंड सर छूट गया सेकंड पेज, हाँ कौन सा पेज छूटा बोलो जल्दी, सेकंड पेज सर शुरू से पीस गए, जल्दी जल्दी करिए काहे कि टाइम खत्म हो जाता है, एक पेज हो गया यस सर, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा,